कान का मंगलसूत्र निकलवा के फोटो खींचना। अरे भाई आधे घंटे में काम खत्म हो गया था ईडी का महोदय मेरे यहाँ, लेकिन ईडी जो है बैठी रही। हम बोले अब काम खत्म हो गया, पंचनामा बनाइए जाइए। तो बोले नहीं, ऊपर से फोन आएगा तब जाएंगे। मनीष सिसोदिया जी के यहाँ 14 घंटा बैठे, आपके यहाँ 15 घंटा बैठने का ऑर्डर है। रात के 1-2 बजे लोग गए। मेरी बीवी गर्भवती, अब कल इतना रूमर फैल गया, कल तो अब बताते बताते कि हमको बेटी भी अच्छा है, बेटी हम तो चाहेंगे कि पहली वो तो बेटी ही हो, लक्ष्मी आए घर में। लेकिन महोदय इतना रूमर फैला, अब मेरी बीवी गर्भवती है, अब उसको इस टाइम पे बीपी हाई होता है, शूट अप करता है, अब उसको एक जगह 15-15 घंटे बैठाना, क्या ये अलग बात है। फिर बाद में हमने उसको हॉस्पिटल जबरन जो है हम लोगों ने भेजा, और हेल्थ इश्यूज पे तो कार्रवाई जो है वो रोक करके वो देखा जाता है। लेकिन आप देखिए, बहनों को ले आया गया है, मेरी बीवी को ले आया गया, इतनी निम्न स्तर की लड़ाई हो गई है। आडवाणी जी, अटल जी जब थे तो ऐसा माहौल नहीं था महोदय, भले ही विचार में हम लोगों को अलग था, लेकिन ये तो अलग ही माहौल है। ये तो पॉलिटिकल विंडिक्टिव से भी ज्यादा जो है एकदम पर्सनल हो गया है। लोग कोई नया कुछ एविडेंस नहीं, एक ही केस जो है 3-4 बार जांच हो करके बंद कर दिया गया, जिसका पार्लियामेंट में भी जवाब दिया गया कि कुछ नहीं है। डीए केस हुआ हमारे पूरे परिवार पे, जब डीए केस हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जीत गए तब भी लगे पड़े लोग। लेकिन इन लोगों का शातिरपना जो है चलने वाला नहीं। जब लालू जी ने डरे तो लालू जी का बेटा भी डरने वाला नहीं। और हमारे पुरखे, हम लोग समाजवादी लोग हैं, हमारे नेता के संघर्ष, साझी विरासत और वैचारिकी का खून मेरे रगों में दौड़ रहा है, तो ना डरने का ना झुकने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। हम लोग लड़ाई जीत लड़ेंगे, और महोदय जो है लड़ाई लड़ के जीतेंगे। और ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं तो कहूंगा, मैं हूं उसका वो है मेरा, मैं हूं उसका वो है मेरा, बात है ठोर ठिकाने की, बात है ठोर ठिकाने की, हमें क्या सदमा पहुंचेगा जब जनता हमारी यार बनी। तो अध्यक्ष महोदय, जनता सब देख रही है और जनता हम लोगों के साथ है। इन लोगों के पास ना कोई नेता है ना कोई विचार, तो आप जान ही रहे किस प्रकार का विचार है। ये लोग तो गांधी जी के पुण्यतिथि में जश्न मनाने वाले लोग हैं, ऐसे लोग जो बापू को भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, क्या नहीं करते। असली निशाना तो वहां। खैर, आरएसएस का जो एजेंडा है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि सही समय पर इन्होंने निर्णय जो लिया, पूरा देश जो है इनको देख रहा है, बधाई दे रहा है कि सही निर्णय आपने लिया, सही समय पर निर्णय लिया। और हम लोगों की कोशिश है कि सब लोग मिलजुल करके लड़े। ना हमको मुख्यमंत्री बनना है, ना इनको प्रधानमंत्री बनना है, हम जहां हैं वहां खुश हैं, इनके नेतृत्व में काम करने में खुशी है। तो इसलिए काम करने से मतलब है, जनता के दिक्कत जो आ रही है, समस्या जो आ रही है, उसका समाधान करने से हम लोगों को मतलब है।